जय माता दी। 10 बज चुके हैं रात के। आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी ना, बहुत अच्छे कमेंट करे हैं सबने। दिल तो करता है आप सबका नाम लूं। सबने बहुत अच्छे कमेंट करे थे, बहुत मोटिवेट हुई मैं। इतने प्यारे कमेंट प्लीज़ रोज किया करें, मैं सबके रीड करती हूँ, मुझे इंतज़ार रहता है। और मैं बहुत खुश हुई, मैं सबके नाम नहीं ले सकती, मुझे माफ़ करना। पर बहुत सारे, मतलब किसका, अगर किसी एक थोड़े के लूँगी तो फिर जो बाकी लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पर मैंने सबका पढ़ा, सबका 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 हर चीज़ से रिलेटेड बोला था उन्होंने, कि जैसे हो सकता है आपको अंदर कोई दिक्कत हो, जैसे बीमारी हो कोई भी, फिर आपको खाना वगैरह नहीं पचता, या आप जल्दी बीमार हो जाते हो, या आपको नज़र लगी है, या मतलब बहुत अच्छे सब ने ये किया था मेरे को और हिम्मत दी थी। आप थक जाओगे तो हमारा क्या होगा, NK स्टूडियो गुजरात से लड़की। और मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करे थे, बहुत प्यारे प्यारे सबने, ऑल इन वन। मलकीत कौर दीदी हैं, किरण सिंह, आप मेरी अच्छी बहन हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतने दूर रह के भी ना मेरे बारे में सोचते हो और मेरा वीडियो सब देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं कोई देखता, गांव में किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, सच्ची बता रही हूँ, कोई भी चीज़ तो एकदम से उनको मधु याद आती है। कोई ऐसा मतलब, मैं ये नहीं बोलती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, पर किसी भी ऐसी चीज़ की कि महिला मंडल का या किसी भी और चीज़ का काम हो गया तो एकदम तुरंत फ़ोन करेंगे। ऐसे हालचाल पूछने के लिए कोई फ़ोन नहीं करता, कोई नहीं करता, ना कोई पूछता। हम सबको पूछते थे, जैसे मुझे पता लग जाता था मैं घर पहुंच जाती हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो, माता रानी है ना, तो माता रानी सबका भला करे, और बस वो अपने साथ है तो क्या दिक्कत है ना। मतलब अभी मैं ना बस सोने चली थी, दवाइयाँ लगी थी खाने, मैंने सोचा आप लोगों से ना अभी बात कर लेती हूँ। खा ली मैंने, मैं देख रही थी, मैंने खा ली, मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप लोगों से, अच्छा लगता है बात करके। मन को बहुत तसल्ली मिली जो मैंने आपके कमेंट पढ़े ना, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था आज, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोगों को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, और कुछ की हिम्मत नहीं होती इतने अच्छे लोगों के बीच में बोलने की। तो बहुत प्यारे कमेंट करे थे, अगर सुबह मेरी ठीक रही ना, सुबह पढ़ूंगी, अब मुझे नींद लगी है, मुझे सो जाना है, और बस भगवान से दुआ करना मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मेरे परिवार को मेरी बहुत ज़रूरत है, सबके होती है, लेकिन आप सोच रहे होने, समझ रहे होने, ऐसे कोई और दिक्कत नहीं है फाइनेंशली, वो तो चलती रहती है ज़िंदगी में, पैसे पूसे की तो चलती, मैं उस वजह से कभी परेशान नहीं होती, फिर बता दूँ। बस यही है कि अपना शरीर, आसपास का माहौल देखती हूँ, और दुनिया बहुत दोगली हो गई है यार, बहुत ज़्यादा दोगली। मुंह के ऊपर आपके दोस्त बने रहेंगे, पीठ के पीछे छुरियाँ चलाते रहेंगे, ये अपना सिस्टम नहीं है, नहीं। तो चलो अभी मैं ना ये करती हूँ, सुबह मिलूँगी आपसे, ठीक है। हिम्मत नहीं थी बात करने की, आपके कमेंट ने मुझे ना थोड़ी सी बात करने की हिम्मत पैदा कर दी मेरे अंदर, कि मैं आप लोगों से बात करूं। आंख मेरी नहीं खुल रही है अभी भी। आपको एडवांस में नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। सुबह मिलते हैं, राम राम। बस सुबह की राम राम सभी को। काफ़ी ज़्यादा फर्क है, और आज है दिसंबर 31, हाँ 31 दिसंबर है आज। तो अभी मैं ना यहाँ पे उतरी थी नीचे, तो बस रोटी बनाई मैंने, बड़े आराम आराम से अभी तक बनी मेरी रोटी, रोटी सिर्फ। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी क्यारियों में उतरी थी, क्या हुआ ना कि मेरे को तो काफ़ी दिन हो गए, जो जिस तरह की मैं हूँ ना,
जैसी मेरी तबीयत चल रही है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ना अपनी क्यारियों में देखते हैं। ये हमारे जो मटर है ना काफी अच्छे हो गए, ग्रोथ हो गई देखो इनकी। अब ना ये तो मूली वो है ना मुंगरे वाली मूली, मूली नहीं इसमें सिर्फ मुंगरू ही लगेंगे ऊपर ऊपर। तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें ना ये वाले गड़ देते हैं सपोर्ट इनको, नहीं तो जब ये बेले छोड़ देंगे। ओ जो जो देखो हमारा कितना सुंदर लग रहा है काउशेड, बहुत सुंदर लग रहा है। आज बेटा आ जा, इधर आ जा मम्मा के पास, आ जा जो जो। तो मैं या तो इनको बोलूंगी, आ रहे हैं अभी परे से ना, तो इनको बोलती हूँ या फिर यहाँ पर। तो ये सपोर्ट इनको देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और अभी हमारे मटर तैयारी में है। और वो कनारी 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 क्या वो नाजिनी वो नाराज हाँ पूछ रहा कहूँ पूछ रहा कहूँ बेटा ना बीमार जा आज कुछ मगर लगवा जो जो आमे पूत आते बे आ जाते बे यही बोल जाए सके बोलिए बोलो बोलो जा बोले सके बोलो। और चलो जी मेरे से तो नहीं होते, मैं इनको ही बोलूंगी अभी पर जे ये ना सूखे सूखे ले आऊंगा सुनो बनने के लिए आई क्या ये देखो इधर खुले ले ये जी भी उड़ के छाटे आप बोलते रहो मेरे से बोलना नहीं जाता, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप बोलो बोलो खुले लाना जी खुले ये बोलो मैं क्या कर रही हूँ ये क्या है व्यूल की स्टूडियो मेरे से तो गड़े भी नहीं के डंडे इसको क्यों लगा रहे हम ये बाढ़ इसको बनाओ इसको बोलते ले बोलो बोल दे रहना चाहिए तेरे में ब्लॉगिंग ये क्या कर इससे बोली बड़ी ये मांग के जाने ना जबाड़े जाऊं ले मोल ले अभी जाऊं जाने लो एक पोट यार की तो आई करते जे फूलों का हार है फूलों का बस इस तरह से ना हम ये करेंगे ये देखो इनमें गट देंगे ये तो निकल गए एक खराब हो जाने देखो नीचे गिर गए ये नीचे नहीं लगने चाहिए जितने भी ये होते हैं जाएंगे ऊपर कोई तब इनमें लगेंगे फिर बढ़िया मटर की फड़ियां चलो देव तेहनी 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 को बस 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 ये ना छुओ तुसे बड़ा भारी मन मारने ये तो एकदम टूट जा था लाते ना जंदे जड़ी बड़ा भारी मन मारो का मान तो जिसके एक बार इस धरती मां ने देर बरकत देनी शुरू कर दी उसकी जिंदगी बन जाती इस मां का आशीर्वाद मूलों ते दूर मूलों ते दूर देखो इस तरह से इतने दूर रखने पड़ते ना देखो ये यहाँ पे मटर है ब्लर क्यों कर रहा है ब्लर क्यों मार रहा है दिन की एक बजे यहाँ कितनी पूरी नहीं उन्हें उठी किलो पूरा देखो यहाँ गोड़ी था तो पूरा था मजे सोई हुई देखो जाग पूरे मजे ले रहे आंगन धूप में जब हमारे आंगन बन जाएगा ना देखो कितनी इस साइड बनेगी है ना परली साइड हम सो जाया करेंगे अपनी गायों के साथ आराम से दिन को रेस्ट करना बढ़िया बना एक पंजाबी मांझा लेके आना हमने चार पाई मांझा बोलते हैं कलमगढ़ शंकर जा रहे हैं अगर गए तो कल जा रहे हैं क्योंकि अंकल आंटी आए हुए हैं तो उन्होंने बुलाया है वहाँ पर जा रहे हैं थोड़ा सा मन और हो जाएगा और काम नहीं होता मेरे से लेती हूँ बीमार है बेचारी क्या करे बुखार ने परेशान किया हुआ सर्वाइकल है बुखार है कोलेस्ट्रॉल है लो बात कर लो बाप पिक ले देता हूँ गायने के साथ छप्पल फट्टू फट्टू तस्वीर। तो अभी मैं शाम को आप लोगों से मिल रही हूँ काफी फर्क है काफी तो मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े ना
मुझे बहुत हिम्मत मिली, जैसा कि मैंने शाम को बताया था। जब मैं शाम को आप लोगों से बात कर रही थी ना, तो कितनी जो आपने पहली क्लिप देखी कितना फ़र्क है ना। और आज है 31 दिसंबर की लास्ट रात, लास्ट दिन 2023, 31 दिसंबर 2023 का लास्ट दिन। और आप सब लोगों ने बहुत सारी दुआएं करी है, तो अब मुझे लग रहा है कि कल को मैं ठीक हो जाऊंगी। और पिछले साल में इसी दिन बहुत बीमार थी, तो अभी देखो कल के बाद कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा। मैंने दवाइयाँ भी खाई वैद की, वैद से लेके आए थे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिसकी जो भी जैसी भी राय थी सबने बहुत अच्छा बोला है। सबके लिए बहुत सारी दुआएं। माता रानी आप सबके सपने पूरे करें, माता रानी आपको भी ऐसी हिम्मत दे, माता रानी आपको भी ऐसे मोटिवेट करे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट करे थे, मतलब सबने बहुत अच्छे करे थे कि उन दिनों को याद करना जब आप यूट्यूब पे आए थे, और यूट्यूब छोड़ना मत कभी भी। तो सच में एक नई हिम्मत मिली। बस आज नहीं वीडियो बनी मेरे से उस तरह की ना, जब तबीयत ठीक नहीं होती, पर आपने बहुत प्यार दिया। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि 20-25 सब्सक्राइबर एकदम से नए जुड़ गए थे रात को ही, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़िंदगी है सच्ची में, इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे उन माता जी का भी बहुत दुख हुआ। तो अभी हम मिलेंगे आपसे 2024 में कल। तो आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, 2024 आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आप सबके सपने पूरे हों, और आप सबके साथ हमेशा अच्छा अच्छा हो। मैं यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ। और भगवान की कृपा, महामाई की कृपा, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मैं यही यही परमात्मा से दुआ करती हूँ, यही भगवान से दुआ करती हूँ। आपके बच्चे स्वस्थ हों, आपके बच्चे कामयाब हों। तो आपने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, कभी मैं सबको मोटिवेट करती थी ना, आज मैं आपके इन दो शब्दों को सुनने के लिए तरस गई थी जो आपने कल मुझे लिखे। बहुत से लोगों ने कमेंट करने बंद कर दिए थे, प्लीज़ माफ़ करना, रिप्लाई नहीं देती मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ, एक एक बच्चे का कमेंट अभी अभी पढ़ के हटी मैं। सबके बच्चे बड़े बूढ़े सबका कमेंट पढ़ के हटी, अभी पढ़ती हूँ हमेशा, और बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ वीडियो का आज एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर कल। और अगर 11-12 बजे तक मैं जागती रही तो फिर 12 बजे देखती हूँ, अगर लाइव आई तो। सोचती हूँ, मैं पक्का नहीं बताती कि मैं सो जाती हूँ, दवाई खाने के बाद मेरे को नींद आ जाती है। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम।